ईरानी हमले का खदशा टल गया। अमेरिका ने सऊदी अरब से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और दीगर अस्करी तंसीबात हटाने का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर नस्ब किया गया अपना एंटी मिसाइल पैट्रियट सिस्टम और दीगर जंगी आलात हटाने जा रहा है। अमरीका ने यह सिस्टम जनरल कासिम सुलेमानी की हिरासत के बाद ईरान की जानब से मुमकिन कार्रवाई के खदशे के पेश नजर नस्ब किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इब्तदाई तौर पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की 4 बैटरीज को हटा रहा है, जो जमीन और फजा से किए गए मिसाइल हमलों को नाकाम बना दी है। जबकि इन बैटरीज के साथ दर्जनों फौजी एहलकार भी तैनात किए गए थे, जिन्हें अब वहाँ से हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जंगी जहाजों के 2 स्क्वाडन पहले ही इस खत्ते से वापस आ चुके हैं। अमरीका ने खलीज में नेवी की मौजूदगी में भी कमी का फैसला किया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान अब अमरीका के लिए वैसा खतरा नहीं रहा, जैसा वो कासिम सुलेमानी की हिलाकत के फौरी बाद महसूस हो रहा था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जनवरी में कासिम सुलेमानी की हिलाकत और अब उसके साथ कोरोना की मौजूदा सूरत हाल ने ईरान को कमजोर कर दिया है, जिससे खत्ते में तेहरान की सलाहियतों में कमी हुई है।